प्यारे दोस्त, हमारे इस चैनल पर आइए। हम आज शुरू करने हैं सीटेट एग्ज़ाम 2024 में। आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह विधि पूर्ण रूप से मूर्त वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बच्चे प्रत्येक वस्तु को देखकर स्पर्श करके सीखता है। दृष्टांत विधि वस्तु विधि के बाद में दृष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न रोचक कहानियाँ, उदाहरण, उपमाओं और चित्रों तथा मानचित्रों के आधार पर बच्चे को अध्ययन कराया जाता है। यह विधि बालक में कौशल, अवबोध एवं कल्पना का विकास करने वाली प्रारंभिक विधि मानी जाती है। कथन विधि वस्तु विधि तथा दृष्टांत विधि के बाद में कथन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कहानियों तथा कविताओं का प्रयोग कर शिक्षक आवश्यकता अनुसार व्याख्यान का प्रयोग करता है। इस विधि में अमूर्त चिंतन या कल्पना करवाई जाती है। कौन सी विधि जो अकेली विधि के रूप में किसी भी स्तर की कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है? तो निगमन एक ऐसी विधि है, ये उपयोगी नहीं है। 1978 में डेजी मॉरविल जान ने जो सुझाव प्रस्तुत किया, किस विधि को जन्म दिया, तो ये है पर्यवेक्षित विधि को जन्म दिया। कौन सी विधि करो और सीखो तथा अभ्यास के पूर्व की ओर इत्यादि सिद्धांत पर आधारित है, वह विधि खेल विधि है। किस विधि में शिक्षा बालक समस्या उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के, ये डाल्टन विधि है। किस विधि से यह दोष की उसमें लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, डाल्टन की विधि है। किस विधि में बुद्धि का बालक अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है, व्यक्तिगत शिक्षण विधि मानी जाती है। किस विधि में छात्र पाठ्य पुस्तक समवायित प्राप्त करने में सफल हो सकें, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि मानी जाती है। किस विधि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक का गहन अध्ययन करना, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। कौन सी विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालक पुस्तक के लिए न किसी पुस्तक आदि, तो ये डायग्नेमेटिक विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत माना जाता है, आता है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया था। विद्यालय में ज्ञान की जांच करते हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादित मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था, यह विधि ज्ञानेंद्रियों के विकास पर आधारित है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं होती उपयोगी मानी जाती है। इसमें आँख, कान, नाक, हाथ का संयोजन होता है, उसी आधार पर बालक सीखता है। किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि प्रतिपादित फोबेल ने किया यूएसए से। यह विधि पूर्ण रूप से करके सीखने पर आधारित है। फोरवेल ने बच्चों की तुलना पौधे से की थी। फोरवेल ने अनुसार जिस प्रकार पौधे को माली इच्छा अनुसार रूप प्रदान करता है, वही कार्य बच्चे को शिक्षित करने हेतु शिक्षक करता है। यह खेल पर आधारित शिक्षण विधि। खेल विधि हेनरी गोल्डवेन कुक करके सीखने पर आधारित विधि है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी होती है। अंधविश्वास विधि। यह विधि डाल्टन विधि का छोटा रूप है। इस विधि में कार्य का विभाजन कक्षा को आधार मानकर किया जाता है। प्रत्येक कक्षा को अलग अलग कार्य अलग अलग समय में कराया जाता है। इस विधि में एक कक्षा में ठेके के रूप में कार्य करती हैं, जबकि डाल्टन विधि में संपूर्ण विद्यालय ठेका पद्धति पर आधारित होता है। यह प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। डाल्टन विधि जिसका हेनरिक फारकास्ट ने जांच किया था, इस विधि का निर्माण अमेरिका के डाल्टन नगर में किया गया था। इस विधि के अनुसार संपूर्ण विद्यालय एक कक्षा है। इस विधि के अनुसार अध्ययन पूर्ण रूप से प्रकृत वातावरण पर आधारित मानी जाती है। इसमें विद्यार्थी साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक योजना बनाते हैं तथा दिए गए समस्या के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन के रूप में होता है। यह विधि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी होती है। डायग्नोमेटिक विधि। इस विधि के अनुसार शिक्षण कार्य सख्ती से करवाया जाता है। यह तानाशाही प्रणाली पर आधारित होती है।
यह पूर्ण रूप से अध्यापक केंद्रित विधि है। इस विधि के तहत अध्यापक अध्यापन डंडे की सहायता से करवाता है। पर्यटन विधि, यह विधि पेस्टोलॉजी विधि है। इस विधि का उपयोग इतिहास, भूगोल आदि में किया जाता है। भ्रमण विधि भी इसी को कहते हैं। इस विधि का प्रथम सोपान योजना का चयन करना तथा अधिक सोपान पर्यटन लेखा तैयार करना। इस विधि के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर विद्यालय हेतु उपयोगी सिद्ध होती है। अगला आता है पाठ्य पुस्तक विधि। यह शिक्षक केंद्रीय विधि है। इसमें शिक्षक द्वारा अध्यापन का कार्य पाठ्य पुस्तक द्वारा करवाया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकरण को समझने हेतु व्याख्या प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में हेतु कम उपयोगी विषय मानी जाती है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि एक केंद्रित विधि है। पूर्ण रूप से शिक्षक के व्याख्या पर आधारित होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर व्याख्या और बानिश के ओलों की तरह किया, जो बच्चे निस्सहाय रूप से सहन करते हैं। इस विधि प्राथमिक उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं मानी जाती है। इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाया जाता है, उसका कक्षाओं हेतु उपयोगी मानी जाती है। कहानी विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक कहानी के माध्यम से अध्ययन करवाता है। विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं। अनुक्रमित अनुदेशन विधि प्रतिपादित बीएफ स्किनर ने कहा। अनुदेशन को तीन भागों में विभाजित किया। प्रतिपादन स्किनर, स्किनर ने इस विधि में पांच सोपान बताए। छोटे क्षेत्र पर्दों का सिद्धांत, क्रियाशीलता तत्परता का सिद्धांत, स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत, पूर्ण बलन का सिद्धांत, तार्किक समर्थता का सिद्धांत। इस विधि के अनुसार शिक्षण कार्य सख्ती से करवाएं। यह तानाशाही प्रणाली पर आधारित विधि है। यह पूर्ण रूप से अध्यापक केंद्रित विधि है। यह अध्यापक डंडे की सहायता से करवाता है। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी, इस विधि का उपयोग इतिहास, भूगोल आदि में किया जाता है। यह भ्रमण विधि भी कहते हैं। इस विधि के माध्यम से सोपान योजना का चयन करता है तथा अंतिम सोपान पर्यटन लेखा पर तैयार करता है। इस विधि के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर में उपयोगी होता है। इसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक विधि। यह केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक द्वारा अध्यापन का कार्य पाठ्य पुस्तक द्वारा करवाया जाता है। जिसमें शिक्षक द्वारा किसी प्रकार को समझने हेतु व्याख्या का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय हेतु कम उपयोगी है। व्याख्यान विधि केंद्रित विधि है। पूर्ण रूप से शिक्षक के व्याख्यान पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर व्याख्या इन बारिश के ओलों की तरह इसका व्याख्यान किया था, जो निस्सहाय सहन करने योग्य है। कहानी विधि, कहानी विधि भी केंद्रित विधि है। यह शिक्षक कहानी के माध्यम से अध्ययन करवाता है। विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि बीएफ स्किनर ने कहा था, जिसे अनुशासन को तीन भागों में विभाजित किया गया। प्रतिपादित स्किनर पांच सोपान हैं। छोटे छोटे पर्दों का सिद्धांत, क्रियाशीलता की तत्परता का सिद्धांत, स्वयं की गति या सीखने का सिद्धांत, पूर्ण बलन का सिद्धांत, तार्किक क्रमबद्धता संबंध का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में पूरी विषय वस्तु समस्या को सर्वप्रथम छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। इन पदों को फ्रेम कहते हैं। बालक एक के बाद एक फ्रेम पढ़ता चला जाता है, जिससे अनुक्रिया करने के बाद अगले अगले पद में फीडबैक मिलता है। यह अनुक्रिया करने पर बालक को आनंद की अनुभूति होती है तथा अगले पद के लिए पुनः बलन मिलता है। पुनः बलन पर बालक के उद्देश्य अनुक्रिया में संबंधित स्थापित करता है। रेखीय अभिक्रिया अधिगम में पदों में इस स्वरूप से बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जा सकता है। यह एकमात्र विधि है जो पूर्ण रूप से पुनः बलन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिपादन नॉर्मल क्राउटर है। इस विषय में छोटे छोटे पदों में व्यक्तिगत व्यवस्थित न करके संपूर्ण विषय वस्तु को एक संप्रदाय के रूप में जोड़ा जाता है। इस विधि में बालक को हल करने के लिए वैकल्पिक प्रश्न
दिए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, गृहपृष्ठ त्रुटि पेज। सही अनुक्रिया करने पर बालक अपने होम पेज पर चला जाता है। अगले होम पेज पर बालक को नया प्रश्न दिया जाता है। गलत अनुक्रिया पर बालक त्रुटि पृष्ठ पर चला जाता है तथा उस पेज पर बालक की गलती का कारण तथा सही अनुक्रिया करने का तरीका बताया जाता है, अर्थात निदान और उपचार किया जाता है। एकमात्र विधि जो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित है, आरोही क्रमित अनुदेशन विधि। प्रतिपादन थॉमस गिलबर्ट ने कहा, यह विधि विषय वस्तु के स्वामित्व पर आधारित है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु के स्वामित्व अधिक बल देता है। इस विधि में अनुक्रिया आरोही क्रम में की जाती है, अंतिम क्रिया सबसे पहले तथा प्रथम क्रिया सबसे अंत में की जाती है। इसमें विद्यार्थियों को आरंभ में नियम तथा सूत्र की व्याख्या करते हुए संपूर्ण प्रश्न के हल की समझाया जाता है। विषय वस्तु को समझने से बालक अनुक्रिया करता है। इसमें प्रदर्शनों की संख्या घटती बढ़ती है, अनुक्रिया की संख्या भी बढ़ती है। अनुक्रिया संख्या बढ़ाने के साथ साथ बालक विषय वस्तु पर स्वामित्व कर लेता है। डिक्राली विधि। प्रतिपादन डिक्राली विधि मानसिक रूप से मंद या विकृत बालकों हेतु उपयोग होती है। इसमें प्रातःकालीन भाषा पर आधारित ज्ञान तथा सायंकालीन संगीत पर आधारित ज्ञान दिया जाता है। अगला आता है प्रोजेक्ट विधि अर्थात योजना विधि, जिसका किल फायर प्रतिपादक है। विद्यालय वातावरण में किसी योजना की क्रियान्वित शिक्षक तथा छात्र मिलकर योजनाबद्ध तरीके से करें तब इस योजना विधि कहलाती है। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचाइट महोदय ने किया था। इस विधि का उपयोग अमेरिका में सर्वाधिक किया गया। सर्वप्रथम 1918 में किल फोर्ट द्वारा यह विधि शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई। यह करके सीखने पर आधारित है, जिसमें किसी समस्या उद्देश्य से छात्र को स्वाभाविक वातावरण में पूरा करने का प्रयास करता है। किल फोर्ट योजना एवं उद्देश्य क्रिया है जिसे विद्यालय वातावरण में संपन्न की जाती है। योजना विधि के सोपान परिस्थितियां उत्पन्न करना, योजना का चयन, योजना के विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करना, योजना के क्रियान्वित करना, योजना का परीक्षण मूल्यांकन करना, गुण। इस विधि क्रियाशीलता का महत्व देती है, करके सीखने पर सिद्धांत पर आधारित है। यह बाल केंद्रित विधि है। इस विधि के द्वारा सामाजिकता एवं नैतिक क्षमता का विकास होता है। छात्र में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यह विधि पुस्तकीय शिक्षण रटने की प्रकृति गृह कार्य जैसी समस्या से छुटकारा दिलाया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें तत्परता अभ्यास एवं प्रभाव तीनों नियमों को शामिल किया जाता है। दोष, इसमें प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं मानी जाती है, समस्या अधिक लगता है तथा खर्चीली विधि है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना संभव नहीं है। प्रत्येक विषय इस विधि में नहीं पढ़ाया जा सकता। समस्या समाधान विधि, इस विधि का शिक्षा क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग सेंट थॉमस द्वारा किया गया। इस विधि में किसी समस्या का समाधान मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सोपान, समस्या का चयन, समस्या समाधान के लिए योजना बनाना, किसी विभिन्न में से एक का चयन करना, चिंतन एवं मनन के आधार पर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना। गुण, इसके यह व्यक्तिगत और सामूहिक विधि है। बालक की मानसिक क्रियाओं का विकास करती है, बालक में अवबोध शक्ति का विकास करती है। इस विधि में बच्चों में पाठ्य पुस्तक पढ़ने की आदतें का अभाव होता है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि यह समस्या को सामग्री अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है। यह फैलाव प्रक्रिया पर आधारित है। समस्या का विकल्प किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह क्रिया आधारित विधि है। यह अवबोध आधारित विधि है। छात्र केंद्रित होता है, तर्क प्रदान होता है। रेखागणित पढ़ने में सर्वाधिक यह विधि प्रयुक्त में की जाती है। इसमें छात्र क्या, कैसे, क्यों आदि उतार चढ़ाव प्रश्न पूछता है।
दोष यह छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है, समय और धन अधिक लगता है, गणित की संपूर्ण विषय इससे नहीं पढ़ाई जा सकती। संश्लेषण विधि यह उपयोगी, इसमें सामग्री को जोड़ा जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूत्र पर आधारित संश्लेषण विधि है, जिसमें मनोवैज्ञानिक विधि है, अध्यापक केंद्रित विधि है, स्मृति केंद्रित विधि है, रटने की आदत का विकास करता है, सूचना केंद्रित विधि है। दोष छात्र में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, इस विधि से ज्ञान प्राप्त विस्तृत सर्वाधिक होता है, इस विधि में छात्र निष्क्रिय हैं तथा क्रियाशीलता पर आधारित नहीं होते हैं, इस विधि में नवीन ज्ञान की खोज नहीं हो पाती। आगमन विधि, आगमन विधि प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण के लिए निष्कर्ष है, विशिष्ट से समान की ओर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, कार्य से कारण नियम, अवरोह से अवरोही, इस विधि में सूत्र निगमन सिद्धांत की स्थापना की जाती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह दीर्घ विधि है, यह छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, यह वैज्ञानिक विधि है, यह अनुसंधान आधारित विधि है, यह छात्र केंद्रित विधि है, यह समझ और अवबोध केंद्रित विधि है, इसमें अध्ययन रुचिकर होता है, इसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का विकास होता है। सोमपान उदाहरण में छात्रों को एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरण देना, छात्रों द्वारा एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरणों का चयन करना उदाहरण कहलाता है। निरीक्षण अवलोकन में सभी उपकरणों का अवलोकन कर उनकी तुलना समानता के आधार पर एक ही परिणाम में प्राप्त करना। नियमीकरण क्या है? समानता के आधार पर नियम, किसी एक नियम की स्थापना करना। परीक्षण में कुछ अन्य उदाहरण द्वारा नियमित की जांच करता गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन होता है। आगमन विधि में गुण, आगमन विधि में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं, इसमें प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, इनमें अनुशासन हेतु प्रोत्साहन मिलता है, छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, दोष में समस्या अधिक समय लगता है, पाठ्य समय पर पूर्ण नहीं होता है, इसमें संपूर्ण विषय को पढ़ाया नहीं जा सकता है। निगमन विधि, निगमन विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष, अमूर्त से मूर्त, जटिल से सरल, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, निष्कर्ष से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, कारण से कार्य, आरोही से अवरोही की तरह यह कार्य करता है। इसमें नियम सूत्र सिद्धांत शिक्षक द्वारा पूर्व में बताए जाते हैं, विभिन्न उदाहरणों में उस समय सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है, जिसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। यह अल्पभाव तथा लघु विधि के नाम से जाना जाता है। बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, शिक्षक केंद्रित विधि है, अनुकरण करने का मार्ग है, स्मृति केंद्रित विधि है, इसमें ज्ञान अस्थायी होता है, इसमें अध्ययन निरस होता है, इसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास नहीं होता है। सोमपान नियम का ज्ञान, अध्यापक सर्वप्रथम छात्रों को नियम जानकारी देता है। नियम का उपयोग, अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर तथा उसके बाद छात्र विभिन्न उदाहरणों का नियम में प्रयोग करता है। नियमन का परीक्षण, अलग अलग परिस्थितियों में नियम को संतुलित किया जाता है। गुण यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं हेतु उपयोगी है, इस विधि से पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है, यह विधि कक्षा शिक्षण हेतु उपयोगी है, इसमें छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास होता है, इस विधि में समय की बचत होती है। दोष छात्र शिक्षक पर निर्भर रहता है, रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसमें तर्क चिंतन मनन आदि का कोई स्थान नहीं होता। प्रयोगशाला विधि नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए कार्यों का प्रयोग करते हैं, इस विधि में शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, वैज्ञानिकता पर आधारित होता है, यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है।
जिसमें शिक्षक की भूमिका सहायक रूप में होती है। विज्ञान और गणित विषय में उपयोगी होता है, इसमें ज्ञान अस्थायी होता है। दो, समय धन अधिक लगता है, पाठ्यक्रम संपूर्ण पूर्ण नहीं होता है। प्रदर्शन विधि, यह वर्तमान विद्यालय परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयोगी विधि है, जिसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकरणों को प्रदर्शन के माध्यम से समझाया जाता है। इसमें समिति रूप से कई दो या दो छात्र प्रदर्शन लेते हैं। इसमें सुनने तथा देखने की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी होता है। किसी समस्या को प्रत्यक्ष करने पर ज्ञान अस्थायी होता है, जैसे दोष। दोष में कक्षा में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ जाती है। अधिक छात्रों वाली कक्षा को पढ़ाने में उपयोगी नहीं होता है, इसमें छात्रों को उपकरण तथा यंत्रों का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। कभी कभी उपयोग असफल होने पर छात्रों के मन में दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। दल शिक्षण, प्रतिपादक सेफ फेयरमैन अमेरिका के वैज्ञानिक इस विधि में शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाकर किया जाता है। इसमें बनाए गए दल शिक्षकों के होते हैं, छात्रों के नहीं। इसमें अलग अलग विषय के शिक्षक मिलकर एक दल का गठन करते हैं तथा सामूहिक रूप से अध्ययन करवाते हैं। मानसिक उद्दोलन विधि, माइंड स्पेंडिंग मेथड, यह रूप से समस्या समाधान एवं मानसिक क्रिया आधारित है। इस विधि में दिए जाने वाला ज्ञान अंतः क्रिया पर आधारित होता है। यह विधि ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वाधिक विकास करती है। यह एक लोकतांत्रिक विधि है। यह विधि अवधारणा अथा एक व्यक्ति और बालक सामूहिक रूप से उत्तम विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विचार व्यक्त करने स्वतंत्र होते हैं। संकेंद्रित विधि, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र आधारित है, जिसमें ज्ञान केंद्र से सिरों की ओर दिया जाता है। यह सरल से कठिन से सूत्र पर आधारित होती है। यह विधि भूगोल विषय पढ़ाने हेतु उपयोगी होती है। छोटी कक्षाओं में बड़ी कक्षाओं की ओर जाने पर यह विधि स्तर कठिन हो जाता है। प्रादेशिक विधि, हर्बर्टन ने इस विधि का प्रयोग सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात के सूत्र आधारित है। इस विधि में पहले छात्र को प्रदेश की, उसके बाद विदेश की जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से आपके चैनल को लाइक था सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। शिक्षा शास्त्र विधियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और 100% फिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आता है हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण क्या है? हिंदी शिक्षण विधियाँ में भाषा ध्वनि संकेतों को व्यक्ति है। बालक की भाषा सीखने की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती है। मातृभाषा से अभिप्राय माता की भाषा है। प्राथमिक स्तर पर बालक सभाओं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य मौका